Papa, this is Dave. Dave, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दीप, बेचारी चलते चलते घिस गई। दीप, थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाढ़ी वाड़ी बनाकर मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप, जो मैं हूं सब हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, जो तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा, ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, Dave. Out. Dave, तुम चलो. Get out. Dave, out. चलो. Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ, तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा, वादा। वादा करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। मैं जानता था तुम आओगी देव। गलत समझ रहे हो, मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूँ। फिर से मजाक? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने पापा की बात मान ली है, अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहीं। देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए, तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है, मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ, तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती, तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती, लेकिन मुझे जीना होगा दे, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? तेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव, तुम हमारी दोस्ती को जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हमें दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव, मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। तुम गलत समझ रहे हो, तुम फिर गलत ही समझ रहे हो देव। तुम गलत समझ रही हो, हमेशा गलत समझती हो। दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो लौट आई हो। नहीं देव, मैं लौट कर नहीं आई हूं और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था, कि मैं मां बनने वाली हूं। मां, अब तो समझ जाओ मैं तुम्हें भूल गई। अब तो मुझे भूल जाओ, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव। मेरी जिंदगी नहीं बन सकते, मेरी जिंदगी सिर्फ राम है। विश्वास करो, मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूं, बहुत मोहब्बत करती हूं। बसने दो मेरा घर, चले जाओ हमारी जिंदगी से, चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे और उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले? मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है? और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जान कर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया?
कौन कहता है कि तुम हार गए, कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं, मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की? अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया? एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं, और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है, तुम्हारे माथे पर वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा, मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम राम देव, मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती।